आज की तारीख में ऐसा हो गया कि फिल्म के अलग डेट्स होते हैं और प्रमोशन के अलग डेट्स होते हैं, तो आज के दिन में जो प्रोड्यूसर होता है वो आपको साइन करता है, चलो 60 दिन आपके एक्टर के साइन करता है, तो बोलता 40 दिन मेरे प्रमोशन के। तो प्रमोशन एक हिस्सा हो गया है सिस्टम का हमारे, और रियलिटी शो में जाना, अलग अलग सिटी में जाना, सिटी टूर हो गया, ये हो गया, कॉलेजेस में जाना, ये करना पड़ता है क्योंकि आपको एक आईबॉल चाहिए। आज जहाँ पे आपके 100 चैनल आपके हाथ में हैं, उसके बीच में आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उजागर करना पड़ता है, तो ये प्रथा है और ये सबको फॉलो करना पड़ता है। और जिस दिन में 15-15 इंटरव्यू हो जाते हैं, 10-10 इंटरव्यू हो जाते हैं, तो ये आदत सी हो जाती है, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप सीख जाते हो कि इस तरह के प्रमोशन आपको करने पड़ते हैं। भाई हम तो हमारी इंदू सरकार की बात कर रहे हैं, विवाद जिन्होंने किया उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। मेरे ख्याल से जो पिक्चर में पहले दिन से मैंने ये भी क्लियर किया है कि इंदू जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है, उनके पति का नाम जो है नवीन सरकार है, तो शादी के बाद वो इंदू सरकार हो जाती है। अब लोगों ने इसका अलग मतलब लेके इस तरह का जो ट्रेलर को देख के बवाल खड़ा किया है, बहुत ही गलत है, क्योंकि हम एक अच्छी कहानी बोलना चाहते हैं, और जो मैंने हर पिक्चर में कहा है। और इस वक्त ये है कि हमने दिखाया कि इमरजेंसी का एरा है, बैकड्रॉप है, उस वक्त पे क्या हुआ था 1975 और 77 के बीच में 21 महीने में, और इस तरह का विवाद जो शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से फिल्म को देखनी चाहिए स्टोरी के हिसाब से कि क्या स्टोरी, और इंदू सरकार जो है हमारी काल्पनिक स्टोरी है जो कीर्ति और तोटा की जर्नी है। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि यूथ को ये फिल्म देखने की उत्सुकता है, क्योंकि हम जब डिस्कस भी करते थे पहले तो हमारा ये होता था कि आई थिंक द यूथ शुड गेट इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म, दे शुड वांट टू नो मोर अबाउट दिस टर्म कॉल्ड एमरजेंसी। तो एमरजेंसी को लेकर बहुत चीज़ें हैं जो हमने दर्शाने की कोशिश की हैं, स्टेइंग ट्रू टू वट एवर स्टफ वी हैव अवेलेबल। तो ये बहुत अच्छा मौका है फॉर द यूथ टू गो बैक टू अ टाइम्स व्हेन दे वर नॉट देयर फिजिकली, लेकिन जस्ट टू रीविजिट अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो शायद जो बहुत ज़रूरी है अपने आप में, और यूथ एक्चुअली उसके बारे में जानती नहीं है। तो फॉर दैट वन रीज़न एंड द रीज़न दैट इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म शोइंग अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ दिस कैरेक्टर इंदू सरकार, तो आपको यू विल गेट अ कम्प्लीट एक्सपीरियंस, फिल्म एक्सपीरियंस थ्रू दिस फिल्म, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म। थैंक यू।